गाइस कैसे हो आप दोस्तों। मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं इंग्लिश में सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से ऐसे बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो कि कुछ छोटा सा अचीव करने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। उनको लगता है कि कुछ और कर सकते हैं लाइफ में, उनको पता होता है कि यार और बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही एक हमारे स्टूडेंट है विकास, आज मैं उनके साथ आपका सबका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ उनके लाइफ से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। जिन कंपनियों में आप ड्रीम देखते हो कि यार इन कंपनी में मेरा हो जाए तो बड़ा अच्छा मेरा लाइफस्टाइल होगा, उन कंपनियों के लाइफ को अचीव करने के बाद अभी भी उनके दिमाग में है कि हम और क्या कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग जो मैं विकास के अंदर पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये मेरे BIM गुरुकुल बैच के स्टूडेंट है, आज इनके साथ हम लोग बात करेंगे, प्लस इनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि हाँ यार ये गलती इन्होंने की मतलब हम नहीं करेंगे, ये अच्छी चीज़ इन्होंने की मतलब हम करेंगे सक्सेस होंगे। देखो क्या होता है, हर गलतियों को अगर आप खुद से सोचोगे कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा ना, बिलीव करो ये लाइफ बहुत छोटी है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही छोटी है। ठीक है, अपने आसपास देख लो, तो जब इतनी छोटी लाइफ है तो बेटर है कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लो। तो आपके जैसे ही आपके एक सीनियर है विकास श्रीवास्तव, जो आपके साथ कुछ लोग जूनियर होंगे, कुछ लोग के सीनियर होंगे, कुछ लोग के क्लासमेट होंगे, तो आप लोग सीखिए कि इन्होंने क्या गलती किया, क्या अच्छा किया जिससे कि इन्होंने कैरियर में अपनी अच्छा अचीव किया। तो चलिए विकास से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। विकास स्वागत है आपका यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म पे। अपने बारे में सर, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि एज यू नो, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हैं सर, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। मैं यहाँ पे रिलायंस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। हाँ। जी जी सर, मैं यहाँ पे रिलायंस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, और मैंने मतलब एज अ साइट इंजीनियर स्टार्ट किया था, बट मैं यहाँ पे एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, और मुझे तकरीबन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ साइट इंजीनियर। और रिलायंस मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ये जो करियर है साइट इंजीनियरिंग का, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन मैंने देखे हुए हैं। इसमें क्या है कि मतलब कुछ चीजें होती है जो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, कुछ चीजें होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे नए टेक्नोलॉजी से जुड़ना था, हमेशा ही एक नई चीज सीखनी थी। बिकॉज इंजीनियरिंग ये नहीं है कि आपको एक काम आ गया और आप उससे अपनी पूरी जिंदगी काट लो, ऐसा नहीं होता है। आपने एक काम पे कुछ टाइम प्रैक्टिस किया, आपको लगा कि हाँ अब मुझे नया अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, हमेशा एक बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ हमेशा मतलब देखना चाहिए। जैसा कि जो मैंने आपसे सीखा है कि BIM ने मतलब मुझे लगता है कि आपसे बात करने से पहले मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और जब मैंने आपसे बात किया सडनली आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, मेरा आपसे मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आपको उससे पहले मैं जानता था। बिकॉज मतलब जो नॉर्मली चीजें जो हम लोग डिस्कस करते थे, बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्क्रीट या फिर बहुत ज्यादा ये होता था कि MTech कर लो, MBA कर लो तो उसे चांसेस ग्रो हो जाएंगे करियर में, बट ये जो BIM नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला वो सर आपसे पता चला, और फिर गुरुकुल ज्वाइन किया तो सही हो गया सर, मतलब सारे कोर्सेज सीख लिए और अभी तो नई जगह पर जॉब भी मिल गई है, अच्छा लग रहा है दो डिग्री सब करके। डेफिनेटली उसमें क्या होता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है कि यार अब तो छोड़ के जाना है, ठीक है, बट कुछ आदमी थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है यार कि अब मैं ऐसे लाइफ चल रही थी ऐसे करके, ठीक है। स्टार्टिंग में विकास थोड़ा सा, जब कभी भी दूसरे डोमेन में भी तुम एंट्री कर लियो, डेफिनेटली तुम्हारा मेन एम क्या था, उस एम को तुमने अचीव कर लिया कि मुझे नेक्स्ट डोमेन में एंट्री करना है, तो स्टार्टिंग में ब्रदर क्या होगा कि आपको ना थोड़ा सा अभी हार्डवर्क लगेगा, ठीक है, कुछ दिन तक मेहनत करना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए, और बाद में डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है आपको मैनेजर पोजीशन पर डाल दिया जाएगा, आप मैनेज वाले करने वाली चीजों पे आप ज्यादा जाओगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, होप सो, देखते हैं, वो डिपेंड करता है, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा ही है। तो कैसे होता है कि हाँ बताइए, तो सारी चीजें हो जाती है, बस टाइम लगता है, लेकिन क्या है ना कि मतलब मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि BIM इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मैं एज ए साइट इंजीनियर मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि मतलब BIM है क्या और इसमें एक्चुअली काम क्या होता है,
पहले तो मतलब अगर कुछ लोगों को जो लगता भी, जो मुझे लगता था कि ये सिर्फ आर्किटेक्ट का काम है, इसमें इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है, एक इंजीनियर की जॉब वही है, सिविल इंजीनियर भी, सिविल इंजीनियर की जॉब वही है कि धूप में रहो और साइट साइट के मतलब कंस्ट्रक्शन कराओ बस एक ही, बट वो इंजीनियरिंग नहीं है असली, वो तो एक मतलब वो भी एक मतलब फॉर्म है, यानी आप कह सकते हैं, बस जो मेन चीजें हैं कि आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, क्या नया मार्केट में चल रहा है इसके बारे में पता, क्या अगर करियर ग्रो करना है तो, अगर एक जगह पे काम करके स्टक रहना है उससे हैप्पी है तो दैट इज अनदर थिंग, अगर करियर में ग्रो चाहिए कि हाँ सर मैनेजर बनना ही बड़ी बात नहीं है, करेक्ट, बट टेक्नोलॉजी के साथ में हमेशा मूव करना, जुड़े रहना, नई नई चीजें सीखते रहना, ये सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, करेक्ट बिल्कुल, क्योंकि करेक्ट पुराने एक ही तरह का काम करते चले जाओ तो वो सही नहीं करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। मैंने भी यही देखा है कि मतलब काफी ऐसे कैसे होता है कि मैं भी जब जॉब करता था एक टाइम पर मुझे भी ऐसा लगा कि यार अच्छी खासी इनकम आ रही है, इनकम इन द सेंस हम मिडिल क्लास लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी होती है ना, तो हमें ऐसा लगता था कि हाँ वही कंफर्ट जोन बात में चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, अगर एक कुछ लोग जॉब कर रहे हो तो अगर कंफर्ट जोन, पहली बात तो मैं सोचता हूँ लोग बोलते हैं ना संतोषम परम धर्म, बट मुझे लगता है गलत है ये करियर के पर्सपेक्टिव से। करियर में संतोष नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट सर्च नहीं करते रहना चाहिए। और जो आपने किया बहुत अच्छी बात है, इवन बीच में आपको लगा होगा बीच में आप भी कंफर्ट जोन में जरूर आए गए होंगे, आपके भी करियर में ऐसा जरूर आया होगा विकास। नहीं बिल्कुल आया है सर, बहुत आया है कि मतलब मेरे लिए अपना मतलब रेजिग्नेशन लिख रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि घर के पास की जॉब है, कहाँ छोड़ के जाएंगे, और दूसरा ये है काफी टाइम से कर रहे हैं, क्या अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन फिर ये था कि नहीं निकलना है एक जगह से, तो मतलब किसी भी जगह से निकलना चाहिए सर, जब वहां पर अपना टाइम पूरा हो गया तो, पानी वरना जम फिर आप जाता वहीं पे है, बंद के रह जाते हैं। पानी जब जम जाता है तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, फ्लो करते रहना पड़ेगा, है सही ना। बात है सर, ये बेस्ट ठीक एग्जाम्पल है, तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, जैसे मैं आप लोग को बताया कि मैंने गुरुकुल में जब मैंने क्लास स्टार्ट किया फिर मैंने सोचा अब मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है व्हाट नेक्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जरूर, और लोग बहुत कंफर्ट जोन में देखता हूँ लोग अभी, जैसे हम लोग ना जॉब्स गाइड पर रेगुलर ओपनिंग बताते हैं, कुछ लोग अप्लाई ही नहीं करते। अभी मतलब एक लोग से मैंने पूछा कि वो बोला कि सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। मैंने बोला कितने जगह अप्लाई किया, उसने बोला सर 3 जगह। हमने कहा पहले तो हमको हंसी आई हमने हमने कहा तुम्हारा नाम और तुम्हारा फोटो लेके एचआर बैठी हुई है कि ये भाई साहब आएंगे बस इनके सामने परोस देना है। बड़ा डिफिकल्ट होता है, और ऊपर से क्या है ना, जितने भी फ्रेशर्स मेरे भाई हैं, जो भी हैं, जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो कुछ एक्सपीरियंस वाले हैं तो हमें थोड़ा आइडिया है, बट जो एकदम ही नए नए फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए ना कि आप अप्लाई करते रहो हर जगह, जहां से भी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो आपके चैनल के थ्रू हो या फिर करेक्ट, अगर वो सेल्फ सर्च करके, जैसे कि आपने हाँ बताया हुआ है, गूगल से कहीं सेल्फ से भी, सर्च करके, हाँ मतलब अगर वो चांस मिल रहा है तो उसको अप्लाई करिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एक रेगुलर हैबिट बनती है, दूसरा आपको जॉब के बारे में अवेयरनेस रहती है, करेक्ट, आपने अगर 4 या 10 जॉब अगर बस अप्लाई करके छोड़ दिया, आप मतलब डिमोटिवेट हो गए, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत बुरा है, आपको हमेशा ही कुछ नई नई जॉब के बारे में देखना चाहिए, ये देखना चाहिए सबसे बढ़िया पे कौन पा रहा है, अगर वो पे पा रहा है तो उसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, वो क्वालिटी अगर हम सीख लें तो हम भी तो पे पाएंगे। अभी लोग बोलते हैं कि पैकेज नहीं है, तो अभी मैं जब जॉब सर्च करता हूँ ना आप लोग के लिए कि वो जॉब गाइड पर डालूंगा, तो मैं जब उनके हाँ पैकेजेस जी देखता हूँ विकास, तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि यार इतने पैकेज रखे हुए हैं और लोग बोलते हैं पैकेज नहीं है। एक्चुअली दिक्कत है कि लोग सीखे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग सीखे नहीं है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं ना कि अगर कोई अगर यूनिक सिविल में आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर हम आपको आपका इतना काम कर देंगे कि अप्रॉक्स आप 1 करोड़ रुपए अब मंथली आपका एक्स्ट्रा हमारे तरफ से आएगा, सही बात ठीक है, तो हम उसको 10 लाख रुपए देने से क्यों पीछे रहेंगे। है, तो बिल्कुल बिल्कुल यही कंपनी का ही फंडा होता है सर, जितना आप उनको आउटपुट, मतलब जितना आप उनको आउटपुट देते हो ना, तो उस हिसाब से आपको भी वो अच्छा ख्याल रखते हैं और आपको भी इनकम देते हैं वो भी, और दूसरा ये है ना कि सर जैसे अगर अगर कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो जॉब में सर सैलरी तो हमारे लिए तो बहुत प्रायोरिटी है, सैलरी तो हमें बहुत ज्यादा मतलब वो है कि अंदर से होती है ना कि हमें करेक्ट, सैलरी चाहिए, बट जो एम्प्लॉयर होता है वो सैलरी के उससे नहीं देखता है आपको ना, वो तो आपको आपके स्किल्स पे मतलब लेता है, तो
क्या स्किल्स हैं आपके, क्या आपने मार्केट में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं। बेसिकली सब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, सॉफ्टवेयर वही होता है। सर जो आपने सिखाया है वो हम लोग 1 साल 1.5 साल वही करने वाले हैं। बट जो करियर में जो अप एंड डाउन आएंगे ना, जो नई नई चीजें प्रॉब्लम जो आएंगी, वो हमें एक्सपीरियंस दिलाता है। करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है तो बेस्ट चीज कंपनी, है कि अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंपनी इंजीनियर्स को केवल एक टूल की तरह देखती है, कौन सा टूल कितना इफेक्टिव हाँ है उतना पैकेज बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना। इसीलिए सर सेम सेम पोजीशन के लिए कई लोग जाते हैं और सबकी सैलरी वेरी करती है, अलग अलग देते हैं लोग, सबको अलग अलग चैलेंज मिलते हैं। करेक्ट है, करेक्ट हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे रिलायंस में हूँ, यहाँ पे तो मैंने देखा है कि 30,000 भी पाने वाले लोग हैं और 3 लाख भी पाने वाले लोग हैं। थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस ऊपर नीचे है, बट दैट इज अप टू टैलेंट और एक्सपीरियंस और जैसी बातें मैटर करता है। करेक्ट और स्टार्टिंग में कोई भी चीज सर एकदम जादू सा तो होता नहीं है, तो करेक्ट टाइम तो लगता ही है। तो है, सही बात है। नहीं हमें तो आपको भी वैसे भी पर बताइए अभी अभी जो अभी बताइए। तो सर जो अभी 2 साल 3 सालों से जो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का माहौल है, अगर जो हम लोग जॉब कर रहे हैं साइट इंजीनियर की, उनको पता होगा कि जब से ये डिमोनेटाइजेशन या फिर जीएसटी ये सब चीजें जैसे आई हैं, थोड़ा सा इससे कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट गया है कि चीजें स्लो हो गई हैं, बहुत सारी कंपनी छोटी मोटी वो बंद हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इससे थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हमारे पास और भी तरीके हैं उसको पाने के लिए। जैसे अभी बात करें मतलब बीआईटी फ्यूचर की, तो इंडिया में तो अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक तरीके से, वही तो बहुत मतलब बेसिक लेवल पे चल रहा है। आज अगर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, या 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो तो सब बहुत बेस्ट होगा। बहुत और बेस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहेंगे, करेक्ट लेकिन साइड से हम अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, है ना। करेक्ट। तो ये बात सही बोला आपने। मुझे वैसा लगता है कि अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपग्रेड करते रहे। और पहली बात तो ये कि जब यार हम स्किल सीख लिए, तो आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ बहुत जल्दी आने वाला यूट्यूब पे, तो मैंने बताया कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक चीज पे क्यों डिपेंडेंट ठीक है हो? ठीक ठीक है, आपको फ्रीलांसिंग का भी तो एक ऑप्शन होता है कि बीआईएम में इतने ढेर सारे ऑप्शन है फ्रीलांसिंग के। चलो अभी तो क्या बोलते हैं इसके बारे में एक वीडियो पूरा कंप्लीट बना दिया है 1 घंटे का, कि अगर आपको भी विकास कैसे कि कल को जॉब करते हुए कुछ ऐसा सोचा आपने, तो यू कैन डू दैट। इवन सभी कर सकते हैं। अब आप बताइए सबको, ठीक है, आपका नेटवर्क स्टक हो गया क्या विकास? आई थिंक इनका नेटवर्क स्टक हो गया। हेलो विकास, ये सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ओके ओके ओके, ठीक है। अगर नेटवर्क ज़्यादा स्टक होगा तो आप वीडियो ऑफ भी कर आपका, सकते वीडियो हो। नहीं दिख, आवाज़ मेरी प्रॉपर जा रही है? अगर नहीं जा रही हो तो आप वीडियो वीडियो नहीं कोई को, दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ओके ओके ठीक है, बिल्कुल, ओके नहीं नहीं ओके बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आ रही है। ओके, तो मैं एक मैं बोला था क्वेश्चन, सर कि आप हमेशा मतलब इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि जो है एक मतलब इनकम की जो सोर्स है ना वो एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 3 4 होने चाहिए, ताकि अगर एक जगह से कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरे तीसरे जगह से कुछ इनकम आती रहे। बिल्कुल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकास। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ से सीखा हुआ है कि जो लोग 2 से 3 4 5 सोर्सेस पे हैं, एक सोर्स कहीं से कम पड़ता है तो दूसरे सोर्स कवर कर देते हैं। और बिल्कुल सर, और यही होना भी चाहिए सर। आप बढ़िया बढ़िया लोगों को देखेंगे ना, तो वो लोग कैसे रन करते हैं, मतलब चाहे मार्केट में कितना भी रिसेशन चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, बट वो रन करते हैं बिकॉज उनके एक से ज्यादा अर्निंग होते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताइए, जैसे कि अभी गुरुकुल में आपने पढ़ा हुआ है, तो गुरुकुल के बारे में 2 से 3 अच्छी चीजें जो आपको लगती हैं वो बताइए। ठीक है, और बुरी चीज भी आप बता सकते हो कि बुरी चीज क्या हो सकती है, बट अच्छी चीज को डेफिनेटली हम जरूर बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि दूसरों को पता चलना चाहिए कि गुरुकुल में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो गुरुकुल का प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है, स्पेशली उनके लिए जो बिकॉज उनको बहुत कम होता है कि करना, और स्टार्टिंग में जो जो मिलती भी है बहुत बड़ी कंपनी हो जाए आपकी, या तो फिर जो जॉबिंग है बहुत छोटी, कई बार इंजीनियर को एक्चुअल फैक्ट उनको फ्री कुछ महीने करने होते हैं। करेक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल, इसलिए
क्योंकि ड्यूरिंग या फिर कॉलेज के थोड़े टाइम अगर आप ऐसे सर काम भी सीख सकते हैं, जैसे मैंने सर 4 साल करके ही कुछ सीखा है, 4 महीने जो था विकास एक चीज का, लेकिन विकास एक बार इंटरप्ट करना ऐसे चाहूंगा इसके लिए आपको, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। विकास एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, अगर आप हो सके तो अपने वीडियो को ऑफ कर देंगे, आवाज आपकी सबको क्लियर समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको लोग डेफिनेटली समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है ये कुछ वॉइस इशूज आ रहे हैं। हाँ अभी अब छत परफेक्ट आएगा। हाँ जी अब बोलिए विकास। अभी सर मैं बोला कि जो भी फ्रेशर्स बंदे हैं, अगर जो इंजीनियर्स हैं हमारे जो जो अभी पास आउट हो रहे हैं या फिर जो उनको कम टाइम हुआ जॉब करते हुए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी गूगल में ये है कि वो नए नए सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं पहली बार तो। और जो कॉलेज में जो ऑटोमेट सिखाया जाता है तो सर उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ लेवल पे ही रहता है, करेक्ट बट जो गुरुकुल ने दिखा है कि प्रोजेक्ट्स को कैसे करते हैं, सभी कंपनीज में अगर BIS के प्रोजेक्ट्स आए आपके सामने आप कैसे करोगे, इंटरव्यूज को फेस कैसे करोगे। दूसरा ये कि आपका हमेशा एक नया मतलब हमेशा एक नया ही कोशिश रहता है कि कुछ नया सिखाए। और जैसे कि मैं बताऊं, अगर हमने तो कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं सर हमने, या फिर और भी आपके स्टूडेंट्स ने कई सारे इंटरव्यूज, तो आप हर एक इंटरव्यू को पर्सनल लेवल पे जाकर उनको बताते हो कि आज ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है सर आप जो करते हो। दूसरा ये कि अगर पहले चीज तो अगर गूगल में आपको ज्वाइन करना है तो आप यूनिक सिविल के ऐप को डाउनलोड करिए, और ज्वाइनिंग से पहले आप वो देखिए कि पढ़ाया कैसे जाता है। 2-3 वीडियोस तो फ्री है सब सारे कोर्सेज में, तो आप ये देख सकते हो कि पढ़ाया कैसे जाता है। और थोड़ा थोड़ा इवन कि 2 ही 3 वीडियोस में आपको लगेगा कि आप प्राइवेट में या फिर ऑटो में काफी अच्छे खासे मतलब नॉलेज हो गया है आपको इस चीज के लिए। और इसकी बुराई की बात करें तो सर ये है कि आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा, जो पंचुअल नहीं है उसके बस का नहीं है पंक्चुअल गुरुकुल। बनना पड़ेगा। और दूसरा कि बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिकॉज आप कई बार ऐसे ऐसे आप टेस्ट लेते हैं कि जैसे अगर आज आपने बोला कि मौके की तो आप हिंट किसी और चीज का देते हैं कि कल हो सकता है ये ऐसे ऐसे हो सकता है, हम लोग वो तैयार करके वैसे बैठे रहते हैं और आप बिल्कुल अलग ही चीज पूछने लगते हैं। तो उससे बेनिफिट ये है कि मतलब दोनों तैयार हो जाते हैं। करेक्ट। कुल मिला के देखो मेहनत तो अगर जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगा आई थिंक कि वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता है कि नहीं विकास, तो वो तो मेंटेन। कंसिस्टेंसी का जो आपने सिखाया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने मुझे लगता है कि मैंने अभी 1 या 2 क्लासेस ही मतलब मेरे ख्याल से जो छुट्टी होगी छुट्टी होगी, अदरवाइज मैंने सारी क्लासेस की हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे जो जो भी आपसे जुड़े हैं वो सारे क्लासेस करे हुए हैं, क्योंकि तो वो रोज आप कुछ नया सिखाते हैं और रोज नए तरीके से सिखाते हैं, वो सबसे बेस्ट है सर। और दूसरा ये कि आपका जो वीडियोज भी आते रहते हैं सैटरडे संडे ऑफ है, आप लाइव भी आते हैं उसमें कुछ नई चीजें सिखाते हैं, वो भी अच्छा लगता है तो उसको भी अटेंड करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर थैंक यू विकास इसके लिए, क्या बोलते हैं ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि डेफिनेटली मुझे खुद की प्रशंसा करने का यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि गुरुकुल में होता क्या है। ठीक है इसलिए मैंने आपके माध्यम से, मुझे लगा आई थिंक कि मेरे स्टूडेंट समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझाएंगे क्योंकि वो अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना। बिल्कुल सर बिल्कुल पता लगना चाहिए, और ये अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि आपको तो सर जैसे आपने इनिशिएट किया है ना, अगर मुझे कुछ साल पहले अगर मैंने ऐसा अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे मिला होता या मैंने ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करे होते तो आज मेरा करियर कुछ और लेवल पे होता। ये परफेक्ट, ये सही बात है। ठीक है नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी कोई बात नहीं, तो जब जागा तभी सवेरा। मैं सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी मतलब एक मन में रहता है ना कि काश अगर हम थोड़ा पहले मतलब करेक्ट जान पाते हैं, करेक्ट क्योंकि साइट इंजीनियरिंग में सब सब आते हैं, सबको करेक्ट पता होता है कंक्रीट ऐसे ही होता है, सबको पता है कास्टिंग ऐसे होनी है, चक्री ऐसे लगी है, रेस्पॉन्समेंट ये है, ड्रॉइंग ये तो बेसिक लेवल की चीजें हैं सर। करेक्ट। आप तो समझ में आता है ना कि आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो अब लगता है ये सब बेसिक लेवल की चीजें हैं, करेक्ट एक्चुअली में दुनिया यही है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो। करेक्ट। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच सर इसके लिए। इवन अभी हम क्लासेस नहीं कर रहे हैं फिर भी आप अगर कोई भी है
हेल्प चाहिए होती है तो आप ऑल द टाइम हमारे लिए अवेलेबल है। थैंक नहीं, वो तो देखो हमें यू करना सर। चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का काम ये नहीं होता, टीचर कोई बिजनेसमैन नहीं होता ना, मुझे ऐसा लगता है। और तुम तो ये जानती होगे कि मैं तो इस पर्सपेक्टिव से कहीं से भी नहीं हूँ। टीचर का मतलब ही नहीं होता नहीं है सर, कि मेरा काम ही है आपको गाइड करना, और गाइड इन द सेंस कि अगर मैं आपका गुरु बनता हूँ तो एक 4 महीने के लिए नहीं बनता हूँ, ये होल लाइफ की जर्नी होती है, ठीक है? क्योंकि 4 महीने करेक्ट तो कोर्स का ड्यूरेशन है, डेफिनेटली वो तो एक लिमिटेड चीज़ है, लेकिन हम होल लाइफ कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। तो मेरा काम है कि होल लाइफ आपके साथ जुड़े रहना, ठीक है, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? नहीं कुछ तो चलो वीडियोस बना रहे हैं, इसी से कम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कमेंट के माध्यम से, है ना? तो एक सबसे बेस्ट चीज ये लगती है सर टीचिंग की आपकी, हाँ कि आप ना मतलब जैसे टीचर्स जो हमने अपने लाइफ में फेस किए हैं वो हमेशा एक टिपिकल टीचर फेस किए हैं। जैसे कि टीचर्स का ये होता है कि वो एकदम सीरियस रहेंगे, टॉपिक से पढ़ाएंगे मतलब टॉपिक से पढ़ाएंगे और पूरा उनको सिलेबस कवर करना है, दैट द ओनली पर्पज। ठीक, लेकिन सर आपको मतलब जब पढ़ाते हुए देखा तो बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव बदल गया, लगा कि नहीं मतलब लोग होते हैं मतलब हमारे जैसे भी लोग होते हैं जो आपको किसी चीज को फनी भी समझा सकते हैं, सीरियस वे में भी समझा सकते हैं, करेक्ट है। नहीं, बड़ा हंसते भी है मुझे ऐसा लगता है ना वो भी एक केस है। बिकॉज अगर किसी कोई भी चीज़ ना अगर बोर होके सीखोगे ना, तो आई थिंक वो क्या बोलते हैं, उतना इंटरेस्टिंग भी है, प्लस उससे ना उस चीज़ से आप दूर भागने लगोगे, ठीक है? जैसे कि अभी एक कोई अगर मैं जैसे एग्जांपल क्लास में लेता रहता हूँ, अगर कोई एक लड़की है, ठीक है, अगर आप उसको प्रपोज करने जा रहे हो, बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही है, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है, टीचर आया पढ़ा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, एक कुल मिला के ही हो गया ना। कितने दिन तक आप पीछे रहोगे उसके? आप बोलोगे भैया नमस्ते, ठीक है, जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है कि बोर हो गए ना आप, कि यार उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अपने ऑफिस की छुट्टी लगा के इसके पीछे जा रहा हूँ। तो समझदारी ये है कि ऑफिस मतलब कॉलेज वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो कॉलेज का छुट्टी लगा के क्या बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो इससे क्योंकि ऑफिस वाले समझदार हो जाते हैं, कि उनको पता है कि यहाँ पर वेस्ट करना टाइम, जो समझदार है उनकी ये बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो टाइम वेस्टेज ही होता है एक्चुअली में। लेकिन कुल मिला के एग्जाम्पल ये है कि भाई बोर होके चीजें अगर करोगे ना, तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे। बहुत से सब्जेक्ट्स तुम्हारे भी ऐसे होंगे जो एकदम खराब हो गए होंगे, जैसे तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े होंगे, एक दो सब्जेक्ट ऐसे होगा जो तुम्हारा बड़ा फेवरेट हो गया होगा, और वो सही बात उसका है सबसे सर। बड़ा रीजन उसका टीचर रहा होगा। लेकिन सर ये 4 महीने जो मेरे बीते हैं ना वो बेस्ट बीते हैं, और लास्ट दिन जब था तो मतलब उस दिन फ्राइडे था और फिर सैटरडे संडे मैं ये सोचता रह गया कि मैं मंडे से करूंगा क्या, मतलब जो मुझे मतलब सब कुछ छोड़ के हाँ सर मेरी जॉब की टाइमिंग मतलब ऐसा होता है साइट इंजीनियर की जॉब की टाइमिंग आप जानते ही हैं, करेक्ट उनकी 24 घंटे की जॉब होती है, करेक्ट उनको कभी भी जॉब के लिए बुला सकते हैं। करेक्ट लेकिन जो आपकी वजह से अब मैं होता था कि मैं 8:30 बजे मैं एकदम मुझे क्लासेस अटेंड करने ही नहीं आओ तो करेक्ट मैं अटेंड करता था सर। करेक्ट वो देखो 4 महीने सर बहुत बेस्ट थे जी। ये इसी ना पंचुअलिटी भी मेंटेन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पंचुअल भी इंसान हो जाता है, और एक बार पंचुअलिटी का रास्ता पकड़ लिया ना, अब उसको अच्छा ही लगने लगता है कि पंचुअल बन जाओ, है कि नहीं? सर दूसरी सबसे बात ये कि मतलब मैंने दोस्त मिल जाते हैं करेक्ट, जो उसी से मतलब बैकग्राउंड से अब उसी, देखिए 15-16 लोग का हम लोग का ग्रुप करेक्ट, था अब उसमें 6 से 7 लोग हम लोग एकदम पूरा कनेक्टेड रहते हैं और इवन हम सब लोग साथ में जॉब भी कर रहे हैं करेक्ट। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, बल्कि इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, तुम जिस डोमेन में तुम्हारा लक्ष्य है उसी डोमेन में वो सारे हैं, तो डॉट अच्छे से मिलते सही हैं, है बिल्कुल ठीक है? अब ये वही हो गया कि अगर मैं सब्जी का ठेला लगाने जा रहा हूँ, कोई मंचूरियन लगा रहे, कोई कुछ और लगा रहे, तो भी मजा नहीं आएगा। सब्जी वाले सारे मिल गए ना, तो बड़ा मजे से बस्ती होगी, तुमने पालक कितने उठाया, तुमने मूली कितने उठाया, ठीक है, कुछ इस तरीके, ठीक है? तुमने किस मंडी से सामान उठाया, तो ऐसे तुम लोग आपस में डिस्कशन करते होगे, तुम कहाँ अप्लाई किए, ठीक है? बिल्कुल अप्लाई कहाँ किए या फिर क्या नए प्रोजेक्ट किए, और सबसे बड़ी बात तो आपके जो प्रोजेक्ट आप देते थे ना हाँ वो मतलब इतनी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी कि क्या ही बताओ, और कई बार वो इतने टफ भी रहते थे कि एक दूसरे से डिस्कस करना पड़ता था कि हाँ कैसे किए ये कैसे किए सबसे और माइंड की एक आदत है, बेस्ट सर आपका तरीका है, माइंड की एक आदत, सबसे बेस्ट आपका तरीका है।
मुझे लगता है माइंड की एक आदत है कि सॉरी टू इंटरप्ट, बट कैसे उसकी आदत है कि जितना उसको खींचो उतना खींचने को तैयार रहता है माइंड। सही सही बात है सर। वो तो जितना मतलब प्रैक्टिस करेक्ट करेंगे वो उतना ही ज्यादा साफ हो जाएगा। करेक्ट। चलो विकास, मुझे लगता है कि तुम्हारे इस वार्तालाप से बहुत लोगों को, क्योंकि देखो हमने सिर्फ किन आधे घंटे से, लेकिन अगर इससे कोई सीखना चाहेगा तो बहुत सी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है, और डिपेंड करता है उन पे। डेफिनेटली अगर ये लोग चाहेंगे कि और कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे आज तुम्हारा थोड़ा सा नेटवर्क कम है, मैं तुमसे बहुत लंबी वार्तालाप करना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें तुम सिखा सकते हो लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क का आज प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। होप सो अभी तुम जल्दी अहमदाबाद ट्रांसफ़र हो और जाओगे। नेटवर्क का मेरे प्लेस से थोड़ा दिक्कत रहता है। हाँ, अब नेट एक बार तुम अहमदाबाद ट्रांसफ़र हो जाओ, जब तुम्हारा BIM का वर्क स्टार्ट हो जाए, तो एक बार उसके बाद ना अभी तुम्हारा नया स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है, इस बात को मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उसको स्ट्रगल को करो, थोड़ी सी उसमें जब सक्सेस मिल जाए तो फिर से हम लोग एक बार वार्तालाप करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हाँ यार, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाने में इतना खींचना पड़ता है खुद को, ठीक है। सर। और घिसना तो बिल्कुल पड़ेगा, सर घिसना। बिल्कुल बिल्कुल और देख लेना, ये भी सर। विकास ये है कि आप बहुत जल्दी बहुत आगे जाओगे, ठीक है, आपकी मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है। तो अगर सही से करते थैंक रहे, यू सर, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद चाहिए हाँ, सर। अगर सही से करते रहे तो बिलीव करो कि 3 से 4 साल के अंदर आप शतक लगाओगे, ये मेरी मेरी गारंटी है, शतक लगाओगे आप, थैंक यू सर, थैंक ठीक है। अब शतक मतलब समझ गए होगे, यू बाकी जो सर, नहीं थैंक यू सो मच। समझे ठीक है, उनके लिए कोई बात नहीं, ओके, मोस्ट वेलकम। जी लेकिन पता है क्या होता है ना, ठीक है, तो लेकिन ऐसे करना कि बस यही चीज रखना कि जैसे भी अभी रेगुलर अप्लाई करने की आदत है ना, इस जोन को छोड़ना मत जॉब करने के बाद भी, ठीक है, इस जोन को छोड़ दिए ना तो फिर क्या होगा, फिर वही कंफर्ट जोन, क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें BIM में भी लगेगा मैंने काफी कुछ आ गया, लेकिन वहां रुकना नहीं है और आगे चलना है अपने को, है ना। सर चलिए आपने मतलब जो अप्लाई करने का तरीका मुझे बताया है ना, इसके करेक्ट पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और वो भी 3 से 4 ऐसे मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जो नहीं आती थी। नहीं आती थी, अब उसके थ्रू क्या होता है ना कि बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल आते हैं करेक्ट और शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो करेक्ट बड़ा अच्छा है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा। करेक्ट चलेगा। आप अच्छे से करो, इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग एक बार फिर से कन्वर्सेशन करेंगे, और आपको आगे आने वाले संघर्ष के लिए आपको बधाई, ठीक है, क्योंकि संघर्ष उसी को मिलता है जो झेल सकता है ना, थैंक यू ठीक सर, है, तो सही थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर, थैंक संघर्ष उसको नहीं मिलता जो झेल ना पाए, क्योंकि ऊपर वाले जानते हैं यार ये किसको क्या दूं, ठीक है, दूं उसको जो संभाल सके ना, तो आई थिंक आपके अंदर वो क्षमता है, ठीक है, संभालो संघर्ष को और अच्छा करो जितना बड़ा हो सकते, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही बोलूंगा कि इस ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ना एज अ बॉडी बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत पावर है, ठीक है, हम लोग तो बहुत छोटे से काम को हैंडल कर रहे हैं, इसमें हमें सुपीरियर बहुत आराम से बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं, ठीक है। जी सर, थैंक और बस यही करिएगा कि पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहिएगा, मैं ये सजेशन दूंगा आपको एज ए मेंटर कि पॉजिटिव लोगों से सजेशन डिस्कशन करते हो ना तो फिर बातें भी पॉजिटिव होती हैं। मेरा एक दोस्त था तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो हमेशा ही बोलता था, क्यों सिविल से तुम हम लोग बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता हमारा, मतलब उसका माइंडसेट एकदम निगेटिव वाला, ठीक है, मैं तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, ठीक है, मेरे घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कैरियर ये हो रहा हो रहा हो, सच बताऊं वो एकदम सच बोल रहा था कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी को कहना नहीं चाहिए, बट अभी वो अपने कैरियर में निगेटिव माइंडसेट को ही लेके बैठा हुआ है, ठीक है, अभी मेरी हमारी बात होती है, मैंने उसको एक दो जगह हेल्प भी किया, लेकिन वो उसकी माइंडसेट नहीं छोड़ रहा है, यार इंटरव्यू देने जाऊंगा पता नहीं होगा कि नहीं, मैं कहा भाई ट्राई तो करो सर वो। मैं एक किस्सा हाँ शेयर करना चाहता हाँ हूँ बोलो सर। बोलो बोलो। ये एक मसला नहीं है, ऐसा बहुत जगहों पे होता है और लोग जो है इस चीज को मतलब इस चीज को लोग बहुत मतलब लाइटर वे में ले जाते हैं कि नहीं कुछ है नहीं, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट उससे उनका करियर पूरा खराब हो जाता खराब है। हो जाता है, निगेटिव टॉक से, राइट, उनसे उनका पूरा करियर खराब हो जाता है सर। बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सर बिल्कुल। और करेक्ट सर ऐसा है ना कि अभी तो इंजन मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है जो सिविल के लिए है वो बहुत ही मतलब अजीब सा चल रहा है, काम बहुत है बट करेक्ट लोगों को काम मिल नहीं रहा है करेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट। करेक्ट
एकदम बिल्कुल सच बोल रहे हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे तरफ से क्या बोलते हैं, अभी मैंने सोचा है और समझा है एक्चुअली, कि मेरे तरफ से एक आपको एक गिफ्ट बुक गिफ्ट रहेगी। बस कोशिश ये करना है उस बुक को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उस बुक को जस्ट बिल्कुल सर, एज अ बिल्कुल गिफ्ट आप रखेंगे, ठीक है। मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। बुक थैंक नाम है इकिगाई, आपको परचेस यू नहीं सर, करना है। ओके, मोस्ट वेलकम। आपको परचेस नहीं थैंक करना यू है, दूसरे लोगों के लिए बता रहा हूँ। इकिगाई है, इकिगाई का मतलब होता है जीवन जीने का रहस्य, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। जैपनीज वर्ड है इकिगाई। उस बुक को एक्चुअली में विकास इस समय आपको पढ़ने की एक्चुअल नीड है, और आगे जो नीड होगी डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी आपको इकिगाई पढ़ना चाहिए। और जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी को इकिगाई पढ़ना चाहिए। तो वो हमारे तरफ से एक छोटा सा उपहार ठीक है रहेगा, बट सर। यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ कि है नहीं मेरे पास, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा होगा सर। ठीक है, लाइक बिल्कुल बस इतना करना है कि उसको पूरा पढ़ना जरूर, ठीक है। बिल्कुल सर, पूरा मैं पढ़ूंगा जी सर। थैंक चलेगा, चलो आज यहीं पे विराम लगते हैं। थैंक यू सो मच विकास, अच्छा लगा मुझे ही बात करके, यू और इसी सर, बहाने इंटरेक्शन हो गया हम दोनों का। ओके, थैंक यू। चलो अब तुम हैव अहमदाबाद पहुंचो, अ उसके बाद गुड डे सर। एक ओके अहमदाबाद पहुंचो, उसके बाद एक और टॉक हम लोग करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, चलेगा। ओके सर, थैंक यू सो ओके मच, थैंक यू। ओके ओके, मोस्ट वेलकम।